एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे जो मैं हिंदी में कर रही हूँ। आई रियली रियली होप यू गाइज लाइक इट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक स्ट्रोक क्रीम को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये होममेड स्ट्रोक क्रीम यूज़ करूँगी। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है जो ईजिली अवेलेबल है सबके पास, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आई मीन डायरेक्ट वीडियो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो मैं ये होममेड स्ट्रोक क्रीम को एक छोटे जार में स्टोर करती हूँ, और इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पिंकिश टोन और थोड़ा सा पर्ल सेंट मिक्स किया है जो मेरे स्किन टोन को सूट करता है। और अभी मैंने सिर्फ स्ट्रोक क्रीम लगाई है, कोई हाइलाइटर नहीं लगाया था। आप देख सकते हैं कि कितना ड्यूई इफेक्ट है। तो अगर आप स्ट्रोक क्रीम लेने जाते हैं तो वो जनरली बहुत हाई साइड पर होती है, 3000 या 2000 की स्ट्रोक क्रीम होती है। और अगर आप स्ट्रोक क्रीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप ये स्ट्रोक क्रीम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है बनाने का। तो अब मैं आपको चार आसान तरीके बताऊंगी जिसमें आप स्ट्रोक क्रीम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ वेरी नेचुरली ग्लोइंग स्किन। तो सबसे पहला तरीका स्ट्रोक क्रीम को यूज़ करने का है कि या तो आप उसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करते हैं, या फिर आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने स्ट्रोक क्रीम बनाई है उसमें मैंने शिमर पार्टिकल्स थोड़े कम रखे हैं, तो वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है। अगर आप थोड़ी रिफ्लेक्टिव चाहते हैं तो आप शिमर पार्टिकल्स ज़्यादा करके उसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके एवरी डे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये होममेड स्ट्रोक क्रीम में शिमर पार्टिकल्स कम रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको मॉइस्चराइज़र में थोड़ा मिक्स करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए इसलिए। तो मैं बहुत थोड़ी सी स्ट्रोक क्रीम को मेरे मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करूँगी, और मैं एवरीडे यूज़ के लिए ये पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो नॉर्मल फेस क्रीम की तरह मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको अप्लाई करते ही मेरे फेस पे कितना नेचुरल ग्लो आया है। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे लेयर करे हुए हों। तो सेकंड वे इसको यूज़ करने का है जिससे बहुत ज़्यादा ड्यूई इफेक्ट आता है, मैं इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स करती हूँ। तो अगर आप किसी पार्टी के लिए ये देख रहे हैं तो इसको बेस्ट तरीका है कि ये फाउंडेशन के साथ मिक्स करने। तो मैं वन पम्प फाउंडेशन में थोड़ी सी स्ट्रोक क्रीम मिक्स करूंगी। अब जैसे हम नॉर्मली फाउंडेशन लगाते हैं मैं वैसे लगा लूंगी, और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। तो आप देख सकते हैं इसको ब्लेंड करते ही ये कितना नेचुरल और कितना अच्छा ग्लो दे रही है। अगर आप एवरी डे यूज़ के लिए भी थोड़े कवरेज देख रहे हैं तो इसको यूजुअली मैं दो जार में बनाती हूँ, एक में नॉर्मल स्ट्रोक क्रीम और नेक्स्ट जार में मैं ये स्ट्रोक क्रीम में थोड़ा बेबी क्रीम मिक्स करके रखती हूँ। तो एवरी डे यूज़ में मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेयर नहीं करने पड़ते। तो थर्ड वे ये स्ट्रोक क्रीम यूज़ करने का है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ग्लो चाहिए तो आप डायरेक्टली स्ट्रोक क्रीम को अपने हाई पॉइंट्स पर लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या आप नॉर्मली ब्लेंड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी फेस चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रोक क्रीम यूज करने का, इसको डायरेक्टली हाई पॉइंट्स पे लगा के और उसको अच्छे से ब्लेंड करने का। तो ऐसे मैं डायरेक्ट हाई पॉइंट्स पे तब लगाती हूँ जब मुझे किसी पार्टी में जाना होता है, लेकिन रेगुलर डेज पे मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करती। रेगुलर डेज पे मैं इसको या तो मॉइस्चराइज़र में या बेबी क्रीम में मिक्स करती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। तो ये फोर्थ वे जो स्ट्रोक क्रीम को यूज़ करने का है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो आपके लिए आपको एक चीक टिंट चाहिए, या फिर आप कोई भी अपनी नॉर्मल लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं जो आप एज अ ब्लश यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा ये चीक टिंट यूज़ करूँगी। इसमें मैं बहुत बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रोक क्रीम मिक्स करूंगी, और अब मैं इसको एज अ ब्लश यूज करूंगी।
आप देख सकते हैं कि ये एवरीडे यूज के लिए या फिर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है स्ट्रोक क्रीम को यूज़ करने का। यूज़ के लिए मैं क्रीम ब्लश में स्ट्रोक क्रीम मिक्स करती हूँ, उससे बहुत नेचुरली ग्लोइंग स्किन दिखती है और उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको ऐसे यूज़ करना हो कि जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने बट स्टिल आपको नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए, या फिर अगर आपको स्ट्रोक क्रीम में इन्वेस्ट नहीं करना हो फिर भी ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो ये कुछ तरीके हैं जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ आसान तरीके थे स्ट्रोक क्रीम यूज़ करने के, एंड आई होप दैट यू गाइस फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ये स्ट्रोक क्रीम कैसे बनाते हैं इसका डायरेक्ट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप।